मोदी के हनुमान ने योगी के फैसले पर उठाए सवाल। योगी के फैसले से नाराज हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। योगी के फैसले के खिलाफ खड़े हुए चिराग पासवान। योगी के फैसले का समर्थन करने से चिराग का इनकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। इसी दिन से कावड़ यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों और मालिकों का नाम और पहचान बतानी होगी, ताकि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। सीएम योगी का कहना है कि कावड़ यात्रियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन योगी के इस फैसले पर विवाद भी हो रहा है, जहां मुस्लिमों का कहना है कि इस फैसले से लोग उनका बहिष्कार कर देंगे, जिससे उनके धंधे पर असर पड़ेगा। वहीं विपक्ष भी सीएम योगी के इस फैसले का विरोध कर रहा है। यूं कहें कि योगी के इस आदेश से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्ष इस फैसले को गलत बता रहे हैं और इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब योगी के इस फैसले का अब एनडीए में बीजेपी के दो साथी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने योगी के इस फैसले का समर्थन करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया है। एक लीडिंग मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम भी शामिल हैं। मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं और मेरी लड़ाई जातिवाद और असंप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं अपने राज्य के पिछड़ेपन के लिए इसी कारण को जिम्मेदार मानता हूं, जहां कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन है, मैं ना तो उसका समर्थन करूंगा और ना ही उसे बढ़ावा दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र के किसी अन्य शिक्षित युवा के लिए ऐसी चीजें मायने रखती हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से संबंधित हो। तो देखा आपने, सीएम योगी ने कावड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला किया है, उसका समर्थन करने से मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने बिल्कुल मना कर दिया है और सीधा सीधा बोल दिया है कि वो ना ही इसका समर्थन करेंगे और ना ही इसको बढ़ावा देंगे। बता दें कि हाजीपुर से सांसद और लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय मिला है। लेकिन जिस तरह से चिराग ने योगी के फैसले पर सवाल उठाए हैं और उनका समर्थन करने से मना कर दिया है, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। चिराग के इस बयान को सुनने के बाद खुद पीएम मोदी भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि चिराग पासवान के अलावा जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी योगी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे पीएम के सबका विकास का नारा कमजोर होता है। कानून की समीक्षा हो, इससे बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है। वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। बिहार में ऐसे कानून की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री की जो व्याख्या है भारतीय समाज और एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के सबका विकास को कमजोर करती है। इस नियम पर पूर्ण विचार हो तो अच्छा है, इस नियम पर समीक्षा होनी चाहिए। बता दें कि जहां एक तरफ कुछ लोग योगी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं खुद कावड़ियों ने योगी के इस फैसले का समर्थन किया है। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ये वीडियो। श्री भक्तों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि अपनी जल को जो है बिल्कुल संभाल कर प्यार से और अच्छे से लेकर आवे और बीच में किसी से भी कोई दंगा प्रसाद ना करें और खाने पीने की व्यवस्था पे अपना भी ध्यान रखें। पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सबके सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी है। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है, तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है। सभी बोलों का आपस में बहुत संगीत प्यार है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं, मदद करवाते हैं। और ये त्योहार जो है हिंदुओं का बहुत ही अच्छा पर्व त्योहार है, और जितनी भी इस त्योहार की ये शिव भक्ति की तारीफ की जाए उतनी कम है। और सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है, विनती है
कि अपनी जल को जो है बिल्कुल संभाल कर प्यार से और अच्छे से लेकर आवे, कि सभी को दंगा प्रसाद ना करें और खाने पीने की व्यवस्था पे अपना भी ध्यान रखें और दुकान की साफ सफाई पे चले हैं, जिस दुकान पे आपको साफ सफाई लग रही है उस चले हैं और कोई भी किसी प्रकार की हिंसा वाली बात ना करें। और बस यही कहना चाहेंगे हम तो।